नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़ का फेसबुक पेज लाइव। अभी कुछ यानी 12:30 बजे मेवालाल चौधरी, डॉक्टर मेवालाल चौधरी जो हैं जेडीयू के विधायक हैं और उन्होंने पदभार संभाला था शिक्षा मंत्री के पद से। अभी कुछ क्षण पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सीधे तौर पे कह सकते हैं ये उनका आवास है। और मेवालाल चौधरी जो अभी कुछ देर पहले यानी 12:30 बजे उन्होंने पदभार संभाला था और देख सकते हैं कि उन्हें जो कार्यालय पहुँचे थे और पदभार संभालने के बाद देख सकते हैं कि उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया था। वहां पर उन्होंने जब मीडिया से लगातार सवाल करने के बाद उन्होंने सवालों में घिरते हुए दिखे और जितना बार सवाल किया गया मीडिया के सामने वो लगातार पानी पीते गए और 3 दिनों से लगातार मीडिया के सुर्खियों में वो बने हुए थे। जिस तरह से उनका पुराना विवाद है और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, वो विभाग जो है ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि ये उन्हें गुलदस्ता दिया गया था और ये गुलदस्ता पूरी तरह से उन्हें पदभार संभालने वक्त दिया गया था और आज ही उन्हीं ने 12:30 बजे पदभार संभाला था। उसी के कुछ क्षण के बाद यानी 1.5-2 घंटे के बाद जो है वो इस्तीफा भी दे दिया और तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि लगातार मीडियों का सुर्खियों में बने हुए थे 3 दिनों से। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पे ये उनका आवास है और तारापुर से वो विधायक हैं और लगातार जिस तरह से सुर्खियों में बने हुए थे उसके बाद जो है और अभी कुछ क्षण पहले वो इस्तीफा दे दिए और देख सकते हैं कि ये उनका गाड़ी है और गाड़ी से शिक्षा विभाग पहुंचे थे और वहाँ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों और जवाब का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था और अभी कुछ क्षण पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये अभी कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से वो इस्तीफा दिए हैं। लगातार जिस तरह से सुर्खियों में बने हुए हैं और 3 दिनों से कह सकते हैं कि वो सुर्खियों में बने हुए थे क्योंकि लगातार मीडिया उन्हें सवाल जवाब और विपक्ष भी कह सकते हैं कि विपक्ष भी लगातार उन्हें घेरता हुआ दिख रहा था। तो जिस तरह से विपक्ष के हमले के बाद जो है सरकार की नींद खुलती है और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं तो कह सकते हैं कि कुल मिला के कि जिस तरह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और कह सकते हैं कि सुर्खियों में जिस तरह से बने हुए हैं और अभी उनके मैं आवास पर मौजूद हूँ और पूरी तरह से आवास जो है सन्नाटा पसरा हुआ था और उन्होंने ये भी कहा था विपक्ष पर हमला करते हुए कि मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। तो ये सारे चीज़ों पर उन्होंने ये बातें कही थी। कुछ लोग यहाँ पे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार जिस तरह से हमारे मीडियाकर्मी वहाँ लगातार बने हुए थे इस खबर पे 3 दिनों से लगातार सवाल और जवाब हो रहा था और सवाल जवाब में वो घिरते चले जा रहे थे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये सारी चीज़ों पर लगातार वो सुर्खियों में बने हुए थे। जिस तरह से कह सकते हैं कि ये उनका आवास है और ये फूल और गुलदस्ता देकर उन्हें वहाँ पर सम्मानित किया गया था। हम अंदर की भी तस्वीर कोशिश करते हैं दिखाने का क्योंकि ये उनका आवास है और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे देने के बाद वो पूरी तरह से घर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और कह सकते हैं कि ये उनका आवास है और आवास में भी कोई यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं तो यहाँ हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहता था, उपलब्ध रहता था। तो अभी जो कह सकते हैं कि इस्तीफे के बाद जो है लगातार पूरा घर सन्नाटा पसरा हुआ है और शिक्षा विभाग जो है कई मामलों में सुर्खियों में रहा है। कह सकते हैं कि ये मामला जो है तुल पकड़ता हुआ दिख रहा था। उसके बाद जो है लगातार कह सकते हैं कि जिस तरह से सुर्खियों में बनने के बाद जो है अभी फिर इस बार भी सुर्खियों में बना हुआ है। तो ये चीज़ें लगातार जिस तरह से कह सकते हैं कि सुर्खियों में बना हुआ है और कह सकते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं और कह सकते हैं देखिए ऐसा है कि विपक्ष को किसी बात में चैन नहीं है। पहले तो वो बोल रहे थे बने क्यों, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब वो कहना इस्तीफा क्यों दिया। देखिए एनडीए की सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पे है और चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो, सारे मामले में ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। तो ये अगर मान लीजिए, मैं तो बार बार कहूँगा कि ये विपक्ष के लोग जो हैं अगर उन्होंने कौन मंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री जी का प्रियोग्रेटिव होता है, 4 पार्टियों का अलायंस है, हर पार्टी ने अलग अलग अपने लोगों का नाम दिया। अब अगर उन्होंने ज्वाइन किया और नैतिकता के आधार पर अगर इस पहले तक आप लोगों को नैतिकता समझ में नहीं आ रहा था जब मंत्री बना, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तो विपक्षी पार्टी ने है, अगर वो बने तो फिर कह रहे हैं, अगर उन्होंने डिजाइन किया तो कह रहे हैं, तो उनको तो किसी हाल जब उन पर मामला चल रहा था तो फिर उन्हें मंत्री बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। देखिए मामला ये तो मामला चल रहा था, कोई ऐसा थोड़ी था कि चार्जशीटेड थे या मान लीजिए हाई कोर्ट ने उनको कोई सजा सुनाई थी, तो वो ना चार्जशीटेड थे
और ना ही हाई कोर्ट ने उनको कोई सजा सुनाई थी। लेकिन 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 तो ये अगर उन्होंने मोरल ग्राउंड पर दिया तो ये इसका तो आप लोगों को कहना चाहिए। विपक्ष भाई ओहो, मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियों को किसी भी हालत में चैन नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो मंत्री बने तो आप हो हल्ला मचा रहे थे, अगर उन्होंने मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया तो हो हल्ला मचा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि आरोप लगते हैं, लेकिन जब वो चार्जशीटेड नहीं है या मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने उनको कोई सजा सुनाई नहीं है तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो कल्प्रिट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मोरल ग्राउंड पर दिया है, बीजेपी के दबाव में इस्तीफा, देखिए एनडीए की सरकार, मैंने पहले कहा कि एनडीए की सरकार जो है क्राइम करप्शन और कम्युनलिज्म पर ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। ठीक है, जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं तो आरोप भी लगते हैं, लेकिन आरोप लगने से आरोप सिद्ध होना दोनों दो प्रोसेस है। जैसे कि लालू जी पर सजा याफ्ता हैं और वो होटवार जेल में हैं, लेकिन इनको तो कोई हाईकोर्ट से सजा नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने रिजाइन दिया है तो मुझे लगता है कि इस पर इतना हो अल्लाह विपक्ष को मचा रहा है। जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने इन्हें आरोपी माना था कि बंगलिंग किए हैं और इनके अनियमितता थी, रामनाथ कोविंद नहीं वो कमेटी बनाई। अरे भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आरोप लगा और आरोप लगने के बाद चार्जशीटेड नहीं हुए, आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जब तक उसका कोई निर्णय नहीं हो जाता है तभी ना कोई आरोपित सिद्ध होगा। जैसे लालू जी सजा याफ्ता है होटवार जेल में, इसीलिए अगर उन्होंने रिजाइन दिया मोरल ग्राउंड पर तो मुझे लगता है क्रेडिट बीजेपी लेती है। भाई बीजेपी एनडीए, मैंने पहले कहा कि कास्ट क्राइम करप्शन सारे मामले में जीरो टॉलरेंस रखती है और किसी भी, चाहे बड़े से बड़े हों छोटे से छोटे हों, उस पर समझौता नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया था जो नेता है वो, उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे के बाद जो है इस्तीफा ले लिया गया है और सीधे तौर पे यह कह सकते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये सारे चीज़ों पर कह सकते हैं कि ये सारे मुद्दों पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों दो चीज़ें हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस। अगर मान लीजिए कि वो चार्जशीट नहीं है या उनको सजा नहीं हुई है या हाईकोर्ट ने उन पर कोई नहीं उन पर सजा दिया है, तो न्यायालय ये नहीं था क्या? ये सारी बातें मुख्यमंत्री को नहीं मालूम थी? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियाँ किसी भी हालत में उनको चैन नहीं है। अगर वो मंत्री परिषद में शपथ लेते हैं उसमें बेचैनी है, अगर वो रिजाइन देते हैं मोरल ग्राउंड के आरोपी का मंत्री बनाया ही क्यों मंत्री? आरोपी और आरोप जैसे लालू जी पर आरोप सिद्ध है, सजा याफ्ता है, होटवार जेल में, ऐसी स्थिति तो इनकी नहीं है। 3 साल से आखिर चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? भाई देखिए वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया जब पूरी होती है उसके बाद ही ना होता है। विपक्ष के दबाव में फैसला लेना पड़ा। नहीं, विपक्ष का दबाव क्या है? विपक्ष का क्या दबाव? अगर विपक्ष का दबाव होता और नहीं करना होता तो नहीं करते। मोरल ग्राउंड पर अगर इन्होंने किया है तो ये तो मुझे लगता है कि सीख लेनी चाहिए विपक्ष को इससे। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पे जिस तरह से विपक्ष के हंगामे के बाद तमाम चीज़ों पर ये पदभार संभालने के कुछ घंटों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें दैस जी न्यूज़ के साथ।